बाकी है वो, जी हाँ वो निकल चुके हैं, जी हाँ वो निकल चुके हैं नेशनल हाईवे को जाम करने के लिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो यहाँ पर लाठीचार्ज, जी हाँ पुलिस जो डाउट है तुमने कह दिया, अगर जब भी एक मिनट, एक मिनट भाई, एक मिनट जिंदाबाद पुलिस प्रशासन, जिंदाबाद पुलिस प्रशासन, जिंदाबाद जस के हथियारों के वासियों, वासियों जस के हथियारों के वासियों, वासियों जस के हथियारों के वासियों, वासियों जस के हथियारों के। लाइट दे दो भैया, अगर लाइट दो तो आज ऊपर आ जाओ, सुनिए भाई क्या कहते हैं, भाई का एसपी साहब पूरा इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो जो डाउट है तुमने कह दिया, जब भी एक मिनट, एक मिनट भाई, जहाँ जहाँ डाउट है अपना, काफी बात तो ना उसी टाइम क्लियर करी, तब भी कोई डाउट है कभी भी फोन कर कह दिए, जिससे भी बात करनी है आज शाम को ही बुलाए, जिससे भी बात करनी है अपना, एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो करूंगा। नसीब जी क्या कारण बताया है कि क्यों हत्या की गई, क्या यही कारण? अभी उसमें टाइम लगता है, इस परिवार का कोई साइको हो या फलाना हो। नसीब जी कितने दिन का समय मांगा, समय लगेगा कितने दिन का? समय दो दिन में उन्होंने कहा अभी सारी चीज काफी कुछ क्लियर हो जाएगा, जो एसएफएल के नवा उसकी जो रिपोर्ट है वो बाकी हो सकती है, अभी पेंडिंग रह जाए, नहीं बाकी कुछ सब क्लियर है। शाम के टाइम पता चलेगा भाई, इस बात का संतुष्टि आपको दोबारा से भी मीटिंग होगी। ऐसा अगर शाम तक अगर इसका नहीं कुछ होता है या कल तक इसका नहीं कुछ होता है तो आपको और उनको सबको बता दिया जाएगा, अगली जो भी पॉलिसी बनेगी, जो भी हम मीटिंग करेंगे, जो भी होंगे सभी को सूचित कर दिया जाएगा कि साइकिल सफाई है या नहीं है। दस को न्याय दिलाने के लिए सभी दस को न्याय दिलाने के लिए हर एक कदम उठाने को तैयार है। अगर ये सेटिस्फाई होते हैं तो ठीक है, अगर नहीं होते हैं तो वो भी बता दिया जाएगा। जस के साथ है सारे सारे परिवार, जस के साथ है, हमारी प्राथमिकता है। कल कोई कभी भी झूठ बोल गया तो उधर कैमरे में हमें एक दिन का सारे भाई हराना पड़ेगा। अभी कोई संतुष्ट नहीं है भाई, अगर परिवार की तरफ से दोबारा अगर ऐसी अपील होती है तो हम सारे साथी पहुंचेंगे और सबको कोटला में परिवार से दो से चार व्यक्ति से मिलेंगे, अगर वो संतुष्ट होते हैं तो ठीक है। और लोगों से क्या अपील करते हैं, भारी संख्या में आज लोग यहाँ पर आपका समर्थन कर रहे हैं। धन्यवाद सभी का जो यहाँ पर पहुंचे, और बच्चे हमारा के बच्चे तो 36 बरादरी का बच्चा सब तो संतुष्ट होने के साथ साथ हमें आरोपी भी सामने चाहिए। अमर परिवार से कौन कौन मिलेगा आज शाम को एसपी साहब से? देखो अगर जाके पता चलेगा कौन कौन मिलेगा, परिवार मिलेगा भाई, उन्होंने किया क्यों है, सबसे पहले तो ये बात है क्यों किया क्यों है उन्होंने। आपने एसपी साहब से नहीं पूछा कि नहीं मर्डर क्यों किया गया था बच्चे का? भाई ये क्लियर नहीं कर रही अमन जी, क्या ये गुत्थी इतनी उलझी हुई है कि 10 दिन में नहीं पुलिस सुलझा पा रही है? देखो हम क्या बता सकते हैं, इसीलिए उन्होंने सामने मतलब कहीं ना कहीं शक के दायरे में तो आज एसपी साहब से मिले हैं, उन्होंने कहा शक के दायरे में हम एसपी साहब से मिले हैं, रिपोर्ट आने बाकी हैं, रिपोर्टों के पूरी नहीं बात क्लियर हो जाएगी। देखो कुछ सैंपल उन्होंने दिए हैं जो एसपी साहब ने कहा है, अभी हमने सैंपल दिए हैं, दो दिन का सैंपल लिया था जैसे से रिपोर्ट कर रहे हैं। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर जो युवा साथी है वो, जी हां वो निकल चुके हैं, जी हां वो निकल चुके हैं नेशनल हाईवे को जाम करने के लिए। और यहां पर आप देख सकते हैं जो पुलिस है वो यहां पर लाठी चार्ज, जी हां पुलिस के द्वारा,
पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज कर दिया गया है। देख सकते हैं पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज यहाँ पर कर दिया गया है। हमारी आप सभी से अपील है, जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें।